वर्तमान तीर्थांकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उत्तंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की ज्योत जगाने आया है। श्रावक कौन है? जिसके भीतर श्रद्धा है, जिसके भीतर विवेक है, जिसके भीतर आचरण है। श्रावक, श्रद्धा, विवेक और आचरण, बस तीन बातें समझ लो, जीवन का कल्याण हो जाएगा। और श्रद्धा किस पर करनी? किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, फकीर, किसी पर जाने की जरूरत नहीं। श्रद्धा किस पर करनी? स्वयं पर करो। पंच परमेष्टी नमकार मंत्र में भी आत्मा ही आत्मा है, तुम्हारे भीतर भी आत्मा है, सब में आत्मा है। उस सेंट्रल पॉइंट को पकड़ो। श्रद्धा करनी आत्मा पर कि आत्मा के सिवाय कुछ भी सार नहीं। विवेक, विवेक अर्थ क्या है? होश, जागरूकता। कुछ भी कार्य करोगे तो अंतर की प्रज्ञा से करोगे, जागरूकता से करोगे। वचन बोलोगे तो मीठे वचन बोलोगे, तीखे वचन आ जाए तो प्रतिक्रमण कर लेना। भीतर क्रोध आए, अहंकार आए, मान आए, माया आए, लोभ आए, रुक जाना, विचार करना, चिंतन करना, सोचना, फिर उस पर आचरण करना। तो अपने जीवन का लक्ष्य तय करो, तुम केवल केवल आत्मा हो। ये भगवान ने बताया, हमें नहीं पता था। ये अरहंत परमात्मा की अनंत कृपा बरसी कि हम तो पहले अपने आप को पुरुष मानते थे, आप स्त्री मानते थे, संबंध मानते थे। जो व्यक्ति जिस परिवार में, जिस संबंध में लग गया, पूरा जीवन व्यक्तित्व के निर्माण के लिए लगा दिया, और व्यक्तित्व के भीतर जो आपका अस्तित्व है उसको भूल ही गए। आप उसको रिवाइज करो, रिपीट करो, चिंतन करो, मनन करो, अपने भीतर की गहराई को जानो और समझो कि मैं कौन हूँ। पूछो अपने आप से, जब आप समय करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, जब आप अकेले क्षण में बैठे हैं, तो टीवी को बंद कर दो, अखबार को बंद कर दो, बातचीत बंद कर दो, मौन हो जाओ और भीतर से पूछो कौन है। और तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा, रमन महर्षि का सारा ध्यान प्रक्रिया, मैं कौन हूँ, केवल ये जान लो कि मैं कौन। ये जान लिया, जो महावीर ने बताया, अरिहंत परमात्मा ने के बताया कि तुम आत्मा हो, पर आत्मा को खोजो तुम भीतर। आत्मा की खोज तुम्हें करनी होगी। जो खोज महावीर ने किया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, मुझे नहीं होने वाला। और किसी की स्तुति करने से आप पुण्य का बंधन कर लोगे। सिद्धों की स्तुति, अरिहंतों की स्तुति, गुरु की स्तुति कर लोगे, पर गुरु के पद चिन्ह पर चलो, अरिहंतों ने जो मार्ग बताया उस पर आचरण करो। सिद्धों ने सिद्धत्व कैसे पाया? महावीर सिद्ध कैसे बने और मैं कैसे बनूं? महावीर की सारी जीवनचर्या अप्रमत्तता, होशपूर्ण जीवन जिया, और हम कितना बेहोशी में जीते हैं, इस पर चिंतन करना, विचार करना। भगवान, आपके सामने चर्चा चली थी कि जो साधक होता है, जो मुमुक्षु होता है, जो जीवन का लक्ष्य तय कर लेता है, उसमें 14 प्रकार की
आ जाते हैं, गुण आ जाते हैं। बताया था कि महावीर ने बताया कि जो साधु, साधु का अर्थ केवल कपड़े बदल करके साधु नहीं होता, जिसके जीवन में साधना है, जिसके जीवन में विवेक है, जिसके जीवन में होश है, जिसके भीतर करुणा है, मैत्री है, अहिंसा है, मैत्री है, करुणा है, वो साधक वो कैसे चले, वो क्या क्रिया करे। जो साधक मोक्ष की यात्रा करता है, कुछ पॉइंट रखे थे, बीच में अंतराल आ गया, नहीं कर सके। पहला पॉइंट था कि वो साधक सिंह सा परकर्मी होगा। जैसे शेर पराक्रम करता है, कोई घर नहीं बनाता, जहाँ जाता है चला जाता है, शेर जैसा पराक्रम। दूसरा कहा था हाथी जैसा स्वाभिमान, हाथी अपनी गति से चलता है, हाथी नहीं प्रवाह करता। कहते ना हाथी अपनी चाल से चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी को कोई परवाह नहीं, कुत्ते कुत्ते आते नहीं जाते, अपनी मस्त चाल में चलते हैं। और हाथी प्रतीक बन गया सम्राटों की सवारी का। युद्ध होते हैं, सम्राट लोग हाथी पर सवारी करते हैं, यात्रा निकालते हाथी पर निकालते हैं। इतने मंदिर बने बड़े, माउंट आबू को देख लो और मंदिर देख लो, हाथी बड़े बड़े कर करके उसको बड़े बड़े मंदिर बनाए, हाथियों ने बहुत काम किया। तीसरा वृष्ट सा भद्र, वो कैसा होगा साधक, वो बैल जैसा भद्र होगा। हमारी भारत की संस्कृति बैल पर आधारित थी, आजकल ट्रैक्टर का ज़माना आ गया, मशीन का युग आ गया, बैलों की कीमत नहीं, गाय की कीमत नहीं। परंतु आज से कोई 60-70 वर्ष पहले बैल का युग था, गाय का युग था, बड़े बड़े शराबक गाय रखते थे, बैल से खेती होती थी, और बैल ना होते खेती हो नहीं सकती, अन्न पैदा नहीं हो सकता। पर बैल बड़ा भद्रीक है, कोई अहंकार नहीं करता कि मेरे कारण खाती होती और गाय दूध देती है, कोई अहंकार नहीं था। उस साधक को, उस साधु को बैल जैसा भद्र होना चाहिए, सरल होना चाहिए, ऋजु होना चाहिए। गाय को हम माँ मानते हैं, क्यों मानते हैं? बैल को भद्र मानते हैं, क्यों मानते हैं? गाय की संतान बैल है, बछड़ा है, बछड़ी है, गाय दूध देती है, घास खाती है, ऋजु प्राणी है, सरल प्राणी है। इसलिए बार बार कहा जाता है हमारी भारत की संस्कृति में कि रक्षा करनी है गाय की करो, बैल की करो। आज भारत में गाय और बैल की रक्षा नहीं हो रही तो किस स्थिति में जा रहा है? हम लोग ट्रैक्टर का युग आ गया, खेती करते हैं, बैलों को भोजन नहीं मिलता, गाय को भोजन नहीं मिलता। तो विचार कीजिए, तुम्हारे घर में यदि कोई गाय नहीं पालन कर सकते तो एक गाय पालन करने का प्रयत्न कीजिए। गाय का हर कार्य आता है, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का घी, सब काम आता है गाय का, और अमृत माना जाता है। गाय का घी लेने से कैंसर तक के रोग ठीक हो जाते हैं, गाय का दूध अमृत के समान। तो वृषभ सा भद्र, बैल जैसा भद्र। बैल के कंधे पर खेती होती थी, जुआ होता था, किसान बीज बोता था, कटाई करता था, बैल सब काम करते थे। आज मशीन का युग आ गया तो साधु को या साधक को कैसा होना चाहिए? बैल के समान भद्र, सरल होना चाहिए। और आगे बताया था मृग सचा सरल, मृग बड़ा सरल होता है। कभी मृग को देखो, उसकी आंखों को देखो, कितनी सुंदर आंखें होती हैं, कैसा निर्दोष चेहरा होता है। जब किसी की उपमा करते हैं हम, कैसे कहते हैं उसकी आंखें कैसी हैं? मृग जैसी आंखें। क्या कहती है वो? मृग नैनी कहते हैं, उसकी आंखें मृग जैसी। उसकी कमर कैसी है? शेर जैसी। तुलना करते हैं ना, कमर शेर की कमर बिल्कुल चिपकी होती है, आंखें मृग जैसी आंखें, नाक कैसी? तोते जैसी नाक। उपमा कहाँ से लेते हैं? पशुओं से उपमा लेते हैं। तोते की नाक, मनुष्य की नाक नहीं कहा कि मनुष्य की नाक, तोते जैसी नाक। आंखें कैसी? मृग जैसी। और कमर कैसी? शेर जैसी। और चाल कैसी? हाथी जैसी चाल। और भद्र कैसे? बैल जैसा भद्र। देखो सारी उपमाएं पशु जगत से आई है। क्यों आई है? कि पशु कपट नहीं करता, पशु सरल है, पशु जैसा नरी नहीं होता। मनुष्य
कितना धन पाले, सम्राट बन जाए, फिर भी कपट करता है, फिर भी अपने आप को बड़ा मानता है। प्रभु ने सारी उपमाएं एक साधक की कहाँ से ली है? पशुओं से ली है। मृग जैसा सरल, मृग को पता नहीं होता, वो चलता है बेचारा, बीमार हो जाता है, घास खाता है, और जब बीमार हो जाता है तो भोजन छोड़ देता है, अपने पानी पीता है, ठीक हो जाता है। मृग की चाल देखो, दौड़ता कैसे है, उसकी टांगें देखो, पर फिर भी लोग मृग को छोड़ते नहीं, कस्तूरी लेने के लिए उस पर वार कर देते हैं और उसको मार देते हैं, कस्तूरी ले लेते हैं। कितना मनुष्य स्वाभिमानी अहंकारी है, एक कस्तूरी के लिए, मांस के लिए पशुओं को मार देता है। पांचवा बताया, पशु सा नरीह, साधक कैसा होना चाहिए? पशु के समान नरी, हेल्पलेसनेस, अपना कोई अभिमान ही नहीं है। पशु को क्या है बेचारे को, कोई पशु है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, बछड़ा है, भैंस है, हाथी है, घोड़ा है, उसका अपना क्या है? कुछ नहीं। कहीं बांध दो उसको, छक्का लगा दो, खाना बंद हो जाता है, मर्जी से पानी नहीं पी सकता, मर्जी से भोजन नहीं कर सकता, उसका अपना कुछ है ही नहीं। साधु कैसा होना चाहिए? पशु सा निरी, इस जगत में जैसे अपना कुछ है ही नहीं, साधु का कुछ होता ही नहीं। साधु का अपना कोई मकान नहीं, कोई घर नहीं, गए भिक्षा लेने के लिए, जो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आके ध्यान कर लिया। कैसा नरी, पशु जैसा नरी, हेल्पलेस। और हम देखते हैं ये मनुष्य ने, जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, वो क्या करते थे? शिकार खेलते थे, क्या अखेट शिकार, मौज के लिए शिकार। और कैसे शिकार करते थे? कभी कभी देखना आप किसी म्यूजियम में चले जाओ, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने जो शेर मारे हैं, चीते मारे हैं, हिरण मारे हैं, मार करके बंदूक रख करके फोटो खिंचा करके अपने आप को बड़ा मान रहे हैं। कैसे लोग हैं? किसी शेर को मारना है तो कम से कम आमने सामने तो हो जाओ, फिर देखो कौन जीतता है, शेर जीतेगा कि मनुष्य जीतेगा। पर कितना राजे महाराजे जो शिकारी लोग हैं, छुप करके कुत्ते पीछे लगा देते हैं, बंदूक ले करके किसी आड़ के नीचे, कोई शेर कोई हिरण, उसको गोली मारते हैं, छुप के मारते हैं, माया करके मारते हैं, उसको कुछ पता नहीं, बेचारा घूम रहा है, जा रहा अपने भोजन के लिए, शेर को, चीते को और हिरण को मार देते। और मारने के बाद क्या, मारने के बाद फोटो खिंचवाते। और ऐसे लोग मर करके कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं, जो राजा महाराजा लोग शिकार खेलते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सब कुछ में शिकार का त्याग, परस्त्री का त्याग, जुआ, शिकार, मांस, मदरा, सात किस्म का त्याग है हमारे यहाँ। खेल खेल में व्यक्ति कितने कर्म बन लेता है। राजा श्रेणिक ने क्या किया था? तीर लगा और तीर निकला वृक्ष से और हिरनी को लगा, और गर्भवती हिरनी खुशी मनाई कि देखो मैंने एक तीर से तीन शिकार कर दिए। और क्या हुआ फिर? नरक गति का बंद। कोई गलत काम करके, बुरा काम करके, अहंकार करना, अपने आप को श्रेष्ठ मानना, निकाचित कर्म बांध लेता है मनुष्य। ऐसा कभी मत करना। तुम्हारे जीवन में किसी को रुलाया हो, सताया हो, दुखी किया हो, गाढ़े चिकने कर्म बांधे हो और खुशी मनाई हो, वो निकाचित कर्म बन जाते हैं। राजा श्रेणिक ने खुशी मनाई पर वो कर्म टूट नहीं सके और आखिर उसको जाना पड़ा नरक के अंदर। तो राजा महाराजा क्या करते हैं? शिकार खेलते हैं, कुत्ते पीछे लगा देते हैं, घोड़ों का शिकार करते हैं, घुड़दौड़ होती है, बेचारे घोड़े को कैसे नचाया जाता है, और हंसते हैं, बाघ का शिकार करते हैं और मनुष्य को छोड़ देते हैं अफ्रीका के अंदर, और शेर पीछे लगा देते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। ये सारे जो कार्य करते हैं ये मनोरंजन के लिए,
हंसते हैं, मनोरंजन करते हैं। सर्कस में तुम जाते हो, शेर का देखते हो, करतब बंदर का देखते हो, चीते का देखते हो, भालू का देखते हो, तुम भी कर्मबंधन का कारण करते हो। वो तो करते हैं, तुम हंसी मजाक में जा करके ऐसा कार्य करते हो। एक श्रावक को, एक साधक को, जिन अनुरागी को ऐसा कार्य करना नहीं, कराना नहीं, अनुमोदना नहीं। मन से, वचन से, काया से करना, कराना, अनुमोदना मन से, वचन से, काया से। ऐसा कोई भी पाप कर्म हो गया हो तो अंतःकरण की साक्षी से आलोचना करना, प्रतिक्रमण करना, अपने जीवन को छपाना कि मैंने कितनी कितनी गलतियां की हैं। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लें, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, केवल केवल आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। आते जाते श्वास को जानूं और देखो, अनंत शक्ति अनंत ज्ञान आत्मा में है। भीतर खोजो और भीतर प्राप्त करो। अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। किसी विचार संस्कार धारणा को महत्व न दें। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उज्जयानंग, नमो लोए सब सावनंग, दमो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितंग नमन संति जसुधम में श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण